brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लाओ वो चाह रहे हैं क्योंकि शायद जो 15-20 साल से यहाँ हैं, शायद वो जीते, मगर जीतने के बाद जो वादे किए या जो काम करने थे शायद वो नहीं कर पाए। राजनीति नहीं कहूंगी मैं, ये कुछ मुद्दों की लड़ाई है, और मुद्दों की लड़ाई तो भाइयों में हो जाती है तो दोस्त क्या, मतलब हमने पांडव और कौरवों में देखी है। विकास अगर उनको दिखाना था तो 15 साल क्यों नहीं दिखाया, है ना? इतना समय उन्होंने उनको जनता ने दिया, तब विकास कहाँ था? अब विकास नजर आ रहा है उन्हें, सडनली आज विकास दिखाना है हमें। और मनोरंजन वही इंसान दे सकता है तो दिल का सच्चा होता है। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। गुरुग्राम लोकसभा चुनाव की बात करना चाहूंगा। गुरुग्राम लोकसभा में एक चीज खास है कि दो उम्मीदवार हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनकी बेटी आरती राव चुनाव की कमान संभाले है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर हैं जिनकी बेटी ने इस चुनावी प्रचार को अपने हाथ में लिया है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप? दो बेटियां और दोनों अपने पिता की एक गौरव के लिए लड़ रही हैं। बिल्कुल, और हर बच्चे को अपने माता पिता के साथ खड़े होना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है जान के कि आरती भी अपने पिताजी के लिए मेहनत कर रही है, एंड आई विश हर गुड लक। लेकिन आरती राव थोड़ी सी राजनीतिक समझ रखती हैं क्योंकि पिता राज परिवार से हैं और काफी लंबे समय से 1977 से बल्कि वो राजनीति में हैं। पहले उनके पिता 3 बार सांसद रहे, अब वो 4 योजनाओं से सांसद हैं, तो राजनीतिक समझ आपके पास भी है। 6 बार आपके पिता भी सांसद रहे। किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं और कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? सपोर्ट बहुत मिल रहा है भाई साहब, बहुत लोग प्यार से मिल रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बदलाव चाह रहे हैं। अब बदलाव वो चाह रहे हैं क्योंकि शायद जो 15-20 साल से यहाँ हैं, शायद वो जीते, मगर जीतने के बाद जो वादे किए या जो काम करने थे शायद वो नहीं कर पाए, जो भी उनकी वजह रही होगी मैं नहीं जानती, पर वो नहीं कर पाए हैं, वो दिख रहा है। वो आप भी इन सड़कों पे निकलेंगे, आपको भी दिखेगा, तो वो कोई छुपी हुई चीज तो नहीं है जो समस्याएं हैं। जी जी जी। अच्छा, पिता के आपके काफी अच्छे दोस्त हैं रविंद्रजीत सिंह, क्या जैसे ही टिकट मिला उसके बाद बातचीत हुई आप लोगों की कि कैसे आमना सामना होगा, किन मुद्दों को लेकर आमना सामना होगा राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर? बातचीत तो बिल्कुल हुई होगी, मगर कैसे आमना सामना, अब राजनीति नहीं कहूंगी मैं, ये कुछ मुद्दों की लड़ाई है, और मुद्दों की लड़ाई तो भाइयों में हो जाती है तो दोस्त क्या, मतलब हमने पांडव और कौरवों में देखी है, और ये तो है ही भूमि जिस भूमि में उनके गुरु थे, तो बस। रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी, जोही जी, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा संगठन है, काफी मजबूत संगठन है जी। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो बीते 10 साल में कांग्रेस अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई है, संगठन का गठन नहीं कर सकी है जी। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं ये कमी जरूर आपको फेस करनी पड़ रही है, जिसके चलते जो जीत का आंकड़ा है या फिर जो सियासत चल रही है उसमें मुश्किल आ रही है आपको? बल्कि मैं तो कहूंगी कि आज जहां हम हैं, इससे बढ़िया संगठन हो ही नहीं सकता है। जो इंडिया गठबंधन है, जिस तरह का जोश और साथ और प्यार हमें आपसे मिल रहा है, इट इज इनक्रेडिबल। मतलब मुझे बेहद खुशी है जिस तरह से मैं देख रही हूं कल से आपके भी, आप पार्टी के भी जो यूथ हैं, जो महिलाएं हैं, जिस तरह से जुड़ी हुई हैं, और ये मैं आपस में भी देख रही हूं। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की भी महिलाओं के साथ चल रही हूँ और यूथ के साथ चल रही हूँ, और यहाँ आप पार्टी के भी, और इतना गठबंधन सिर्फ ऊपर के लोगों में नहीं है। मैं वही देखना चाह रही हूँ कि आई कैन सी इट, कि महिलाएं भी साथ मिलकर चल रही हैं दोनों पार्टियों की, यूथ भी साथ मिलकर चल रहे हैं, तो ये सब एक साथ जो हुए हैं वो एक एक किसी मुद्दे के लिए सब खड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुग्राम जरूर देखेगा और समझेगा कि गुरुग्राम के लिए क्या सही है। मेयू बाहुल्य सीट के तौर पर गुड़गांव लोकसभा को जाना जाता है, अहीर बाहुल्य भी, यानी 20% के करीब मेव हैं, मेव वोटर्स हैं, और 18% के करीब अहीर बाहुल्य क्षेत्र है। तो क्या कुछ मुद्दे आप लेकर जा रही हैं जनता के बीच में? महिलाओं से जब मिल रही हैं तो क्या कुछ वायदे उनके साथ कर रही हैं आप? देखिए, वादे करने की बात नहीं है, है ना, वादे लोग तोड़ देते हैं। हम मुद्दे समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, और अपने तरफ से हम यही कह सकते हैं कि हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे,
हम उन लोगों में से नहीं है। देखिए आज भी आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी क्यों पापा को याद करते हैं। मैं कल भी मार्केट में थी 31 सेक्टर में और एक लेडी ने मुझे रोककर ये बात की कि मेरे रिश्तेदार आगरा में आपके पापा की बहुत तारीफ करते हैं। एक ने मुझे कुछ दिन पहले बोला फिरोजाबाद में आपके पिताजी ने बहुत काम किया, मैं अब यहाँ पे ब्याही हूँ पर मुझे पता है कि मेरे पियर में आपके फादर ने कितना काम किया। तो जो इंसान अपने काम के लिए जाना जाता है वो यहाँ भी काम ही करेगा ना। हमने राजेंद्र जी से सवाल किया था कि आपके दोस्त हैं राज बब्बर, तो कैसे देखते हैं इस प्रतिद्वंद्वी के तौर पर, लेकिन राजेंद्र जी का साफ तौर से कहना था कि आपको मनोरंजन चाहिए या विकास, ये आपको तय करना है। विकास अगर उनको दिखाना था तो 15 साल क्यों नहीं दिखाया, है ना। इतना समय उन्होंने उनको जनता ने दिया, तब विकास कहाँ था। अब विकास नजर आ रहा है उन्हें सडनली, आज विकास दिखाना है हमें। खैर कोई बात नहीं। और मनोरंजन बिल्कुल, हम कलाकार हैं और मनोरंजन वही इंसान दे सकता है तो दिल का सच्चा होता है। और मनोरंजन जो देता है वो आपके चेहरे पे खुशी लाता है। हम यहाँ लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने आए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि 3 चरणों में एक बात ये खास तौर पर देखने में आई है कि वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप जनता से। बिल्कुल, ये जरूर रहा है और अभी मैं जानती हूँ कि इस बार भी मुश्किलात आ सकती है क्योंकि बहुत गर्मी है और इस तरह की सिचुएशन है। पर मैं यही कहूंगी एक एक से कि आइए बाहर और वोट करिए। आप जो आके इतना प्यार दिखा रहे हैं, जो आप आके पापा को मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, वो भी तो इसी गर्मी में आ रहे हैं, तो आइए और 25 मई को भी अपना प्यार दिखाइए, यही जोश दिखाइए, बरकरार रखिए 25 मई तक। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। ये हमारे साथ राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर थी, जिनका कहना है कि मुद्दों को समझ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन कितना सपोर्ट मिल रहा है ये नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।